કેમ છો બધા મિત્રો, મજામાં? આજે તમને બતાવું કઈ જગ્યાએ હું આવ્યો છે. ડુંગરની ચોટી ઉપર જમાવટ છે, નેચરલ, બધું જ એર, ફ્રેશ હવા, સુંદર નજારો. અહીંયા ગાર્ડન ચાલે છે બાજુમાં. ઝાલર વગાડે છે, જોઈ લ્યો છે ને બાકી જમાવટ. ખાસ કરીને અત્યારના સમયમાં તો આ તો ગાડર આ છે ડુંગર. હું અત્યારે અહીંયા આવ્યો છે. જ્યાં જ્યાં હું જાઉં તો ત્યાં તમને પણ અહીંયા નેટ નથી એટલે લાઈવ ના આવી શકું, પણ વિડીયો ઉતારી ને તમને બતાવું બધું. ઇટાલીના ડુંગર ક્યાં જ્યાં હું જાઉં છું ને અહીંયાની ગાયું જોઈજો કેવી જમાવટ છે. ચારે બાજુ બ્યુટીફુલ ડુંગર, માઉન્ટેન. કેટલા હજાર ફીટ ઉપર છે ખબર નથી મને પણ. હેલો મિત્રો, કેમ છો આપ સભી? કેસે હે સબ? મજા મે હોગે. આજ મે આપકો બતાને વાલા હું માઉન્ટેન. और मैं यहाँ आया तो एक अजीब सा मुझे यहाँ जानने को मिला, आपको साथ शेयर करता हूँ. दुनिया में कैसी कैसी तरीके से लोग वो करते हैं दूसरे के लिए. एक मानवता जिंदा रहनी चाहिए, इसका एक उदाहरण है भी. यहाँ मैं आया तो यहाँ देखो, ये आप देख रहे होंगे, ये मैं यहाँ घूमने आया हूँ माउंटेन में. देखो आप गाय घर, ये घर लग सा है. मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या है वो. देखिए आप अंदर, अगर यहाँ आप घूमने आते हैं तो आपके लिए यहाँ पता नहीं किसने बनाया है लेकिन पूरी सुविधा है, बैठने की, रहने की. यहाँ पूरा एक किचन रखा है, ये सब टेबल है, टेबल कुर्सी है, और यहाँ आपके लिए बर्तन भी रखे हैं. और यहाँ इमरजेंसी में कुछ हो गया तो फर्स्ट एड है इमरजेंसी के लिए, जो लगा है कुछ भी पेन हो गया है, कुछ भी हो गया है तो सब के लिए ये रखा है. और यहाँ पूरा टेबल है खाने के लिए, पूरा फैमिली यहाँ बैठ के बाहर जाके बैठ सकते हैं, खा सकते हैं सब. यहाँ लाइट भी है, यहाँ लाइट भी है, और यहाँ देखो चूल्हा भी है, जो आप रसोई भी बना सकते हैं आके इधर. और यहाँ गैस भी है देखो, और यहाँ अंदर रखने के लिए सामान भी है, तो सब कुछ है यहाँ. देखा आपने, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं. तो बहुत अच्छा लगा. ऐसी हर जगह जहाँ टूरिस्ट आते हो, जहाँ घूमने की हो जगह, मैंने तो पहली बार देखा है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं देखा है. जहाँ आप खाना खा सकते हो, खाना बना सकते हो, और जैसे अपने घर जैसी फीलिंग कर सकते हो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे. तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है सबके लिए, कि हम जहाँ जहाँ भी जाए और हमारे आसपास अगर ऐसी कोई जगह है तो उसको भी एक अच्छी तरह से बनाए, कि जहाँ लोग आ सके, बैठ सके, खाना खा सके. ये पूरा माउंटेन है देखो आप, ये पूरा माउंटेन है, बहुत अच्छी जगह है. ये इटली में है, ये जगह इटली में है. और यहाँ मंदिर है जहाँ आप पूजा पाठ भी कर सकते हो. यहाँ बहुत साल पुराने कोई संत हो गया है, पता नहीं कौन क्या है लेकिन संत है,
तो अभी बंद है, नहीं तो दर्शन आपको करवाता उसका भी। मैंने दर्शन ऐसे ही कर लिया बाहर से। कोई संत की जगह है एकांत में, जिसने भजन किया होगा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करूं, यहाँ इंटरनेट नहीं आता इसलिए लाइव नहीं आ सका, लेकिन ऐसे ही आपको जहाँ जहाँ अच्छा लगेगा मुझे आपको भी बताता रहूँगा। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी देख सके, सभी जान सके। तो यहाँ भी और भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। ये सामने भी मैं जा चुका हूँ, वहाँ भी उसका वीडियो भी आपको बताऊंगा। देखो वहाँ सामने रहे लोग रहते हैं। जो घर दिखाई दे रहे उधर लोग रह रहे हैं, इतनी ऊंचाई पे फ्रेश हवा, और ऐसी कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से भी कोई भी तकलीफ नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, फ्रेश हवा है, ना कोई भीड़ है, बस अकेले शांत बैठने का शांत वातावरण। तो जुड़ते रहिए मेरे साथ, आपको बताता रहूँगा हर दिन की अप टू डेट, किधर किधर मैं जाता हूँ, कौन सी जगह मुझे अच्छी लगती है, वो सब आपको बताता रहूँगा। तो बस आगे का अभी ट्रिप जारी है, तो आगे और बताऊँगा। तो देखते रहिए तब तक।